अच्छा ये इफेक्ट आता तुम्हें कि जैसे मैं हो ले आया हूँ, नीचे लिखा हुआ आ रही है, ये तो लगा लो, बिल्कुल कर बिल्कुल लोगे ना। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, चलो बैठो, तुम भी, तुम्हें भी एक कराऊंगा, एक उसको भी ले लेते हो ऑनलाइन। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाओ, एक फाइल अपनी स्टार्ट कर लो, लाइट बॉक्स के नाम से मैंने सेव कर लिया इसको। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है लाइट बॉक्स, गिटहब। तो आपने ये सर्च करना है, क्या सर्च करना है, लाइट बॉक्स गिटहब, समझ में आ गया आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड करोगे, यहाँ से इस पे क्लिक करने पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड जिप, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा, डाउनलोड हो गया, कंट्रोल जे कर लेते हैं, देखो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे, आप ना इसके ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पे ना देखो जब डाउनलोड कर लोगे, राइट क्लिक करना उसको, ये जिप बन के आएगी, एक्सट्रैक्ट कर लेना। जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ऐसा फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस पे अंदर जाना, फोल्डर के अंदर, और आपने ना क्या करना है, DIST का फोल्डर होगा, इसके अंदर चले जाना। DIST का फोल्डर के अंदर आपको ये JS, इमेज, CSS, ये सारी मिल जाएगी। आप लोगों को ना इन तीनों फोल्डर को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आपकी फाइल है ना वहाँ पे सेव कर लेना। तो मैं इसके लिए एक अलग फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम देते हैं लाइट बॉक्स, ठीक है। तो इसका नाम मैंने लाइट बॉक्स रख लिया, और यहाँ पे जितनी भी फाइलें आपके अपनी यहाँ पे सेव कर लेना। तो मेरी डी ड्राइव के अंदर लाइट बॉक्स के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर मैंने सारी फाइलें को रख लिया। इसमें जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, और HTML भी है। हम अपनी HTML CSS ही यूज़ करेंगे, उसको करके ड्रॉ करेंगे। हाँ अभी HTML भी चाहिए होगी हमें, तो मैं एक काम करता हूँ, HTML को भी यहीं पर सेव कर लेता हूँ। तो मैंने फाइल में जाके सेव एस करा, और कहाँ पे हमारा वो किस नाम से था, लाइट बॉक्स के नाम से। तो हमारे पास यहाँ पे लाइट बॉक्स के नाम से मिलेगा, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं इंडेक्स डॉट HTML। ये वाला जो फोल्डर है वो ओपन करा लेते हैं, फाइल में जाके ओपन फोल्डर, और यहाँ पे लाइट बॉक्स ये रहा, और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, और यस कर लेते हैं। सेकंड आपने क्या करना है, इसके अंदर काम करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इमेजेस भी ले लो, इमेज कौन सी चाहिए हमें, तो मुझे इमेज ना यही वाली चाहिए, एक इमेज ये ले लेते हैं, दो इमेज, इन दो को ही ले लेते हैं, और इसको ही मैंने क्या करा, अपने फोल्डर के अंदर रख लिया, यहाँ पे रख लिया हमने। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम इमेज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे IMG SRC और इमेज डाल दी, यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने 1.fullstop.jpg, ठीक है। और यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी हमने 300 पिक्सल, और इसी को कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया हमने 2.jpg, और इसकी विड्थ भी 300 पिक्सल रख दी। तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पे इसे बड़ी होनी होनी है इमेज को। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले CSS में जाना है, यहाँ पे हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में ये जो फाइल हमने उठाई थी ना वाली कॉल करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करना, कौन से फोल्डर में, CSS के फोल्डर में है। तो आपने यहाँ पे लिखना है लिंक HREF, फाइल का नाम कौन सा फोल्डर था, CSS,
उसके अंदर लाइटबॉक्स डॉट जे एस, ये आपने कॉल करा लेनी है। रिलेशन डाल देना है यहाँ पे स्टाइल शीट, बस इतना करने के बाद आपको ये कॉल हो गई फाइल हमारी। सेकंड आपने नीचे स्क्रिप्ट लगानी है। स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं SRC और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम आ जाता है। तो देखो ये JS के फोल्डर के अंदर दो फाइलें हैं, एक पहले करा लेंगे ये वाली लाइट बॉक्स, अच्छा कौन से फोल्डर में, JS के फोल्डर में स्लैश लगाएंगे और ये वाली फाइल कॉल करा ली, ठीक है। फिर दोबारा लिखते हैं स्क्रिप्ट, दो ही फाइल कॉल करानी है, js/lightbox.js, यानी एक करानी है lightbox+jQuery और एक करानी lightbox.js और ये एक ही करानी lightbox.cs जो हमने डाउनलोड की थी उसमें मिल जाएगी हमें css के फोल्डर में css और javascript के फोल्डर में javascript, बस हमें कॉल कराना है। अब सेकंड क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है ahref equals to और एक को बंद कर देना है, कहाँ पर, यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे ही सपोज आप यहाँ पे भी आपने वही सेम चीज करनी है ahref और यहाँ पे आपको ए को बंद कर देना है ऐसे। दोनों फाइलों को क्या करा हमने, कॉल करा लिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर लिख देना है इमेज का नाम 1.jpg और इसमें क्या करोगे 2.jpg। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, हो जाएगा इतना। क्लिक करके देखते हैं तो देखो ऐसे आ रही है, ये तो नॉर्मल भी आ रही है, ये तो नॉर्मल आ रही है, पर मुझे उसी पे पॉपअप करके चाहिए। तो बस आपने एक लाइन और लिखनी है यहाँ पे, जहाँ भी इमेज का नाम दोगे ना वहीं पे लिखना data-lightbox=, और इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ABC लिख दिया। यही सेम चीज कॉपी करनी है और नीचे वाले में भी यहाँ पे लगा देनी है। अब कुछ फर्क आया, ये देखो आगे समझ में, तो यहाँ पे देखो क्लिक किया ये भी आ गई, ठीक है। और ये देखो इस पे ये आ रही है, इस पे ये आ रही है, क्लियर है, इस पे क्लिक किया बंद हो गई। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ABC ऐसे कर दूँ, नाम चेंज कर दिया मैंने, तो भी देखो सेम काम कर रही है, पर क्या ऑप्शन नहीं आ रहा, आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम दोनों का सेम रखना पड़ेगा डाटा लाइक बॉक्स में। तो ये देखो हमारे पास क्लिक करने पे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अगर सपोज मैं ऐसे कई सारी इमेज रख दूँ तो देखो सारी इमेजेस हमारी ऐसे ही आएगी। हाँ बताओ, अरे क्वेश्चन है, जैसे कि आपने फोल्डर्स बनाए हैं तो मेरे पास जो फोल्डर्स बनाए हैं आपने, हाँ तो जैसे सपोज जो आपने जो डाउनलोड किया वो तो मैं समझ गई कि डाउनलोड करके वो फोल्डर बना लेना है। अगर जैसे आपके पास CSS के जावा के तो मेरे पास नहीं होंगे तो चलेगा? आपके पास क्यों नहीं होगा, जब डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर मिलेगी ना आपको CSS और JavaScript। ओके सॉरी, डाउनलोड क्या करा है हमने, फिर ये तो डाउनलोड किया है। अच्छा तो देखो अब जैसे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये सारी इमेजेस कॉल हो गई है, देखो आ गई समझ में। क्लिक करने पे बंद हो रही है, यहाँ क्लिक करने पे ये ओपन हो रही है, यहाँ क्लिक करने पे ये ओपन हो रही है, आ गया समझ में। तो ऐसे पोर्टफोलियो का सेक्शन इस तरीके से लगाते हैं। एक और चीज करा रहा हूँ मैं इसके अंदर, फिल्टर। मैं ना इन सब इमेज की जो इमेज वाला है जहाँ 300 पिक्सल लिखा है वहाँ पे क्लास लगा देता हूँ और इसका नाम दे दिया मैंने img1। ऐसे ही इसे कोई कॉपी किया और इस पर भी लिख दिया मैंने img2। ऐसे ही img3, तीन पे लगा के देखते पहले। देखो अलग अलग फिल्टर होते हैं, मैं यहाँ पे css दे देता हूँ स्टाइल, ऐसे यहाँ भी दे सकते हो, ये इसे इंटरनल CSS बोलते हैं, ठीक है। तीन तरीके की CSS होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन कौन सी होती है, जैसे जब हम यहीं पर दे देते हैं, जैसे मुझे यहीं पे दे दी मैंने स्टाइल लिख दिया और यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड बॉर्डर सॉलिड 2 pixel 3 pixel ब्लैक, तो ये क्या हो गई हमारी, ये कौन सी CSS हो गई हमारी, इनलाइन हो गई। ये देखो 3 pixel लाइक दी बॉर्डर, हाँ ये एट्रीब्यूट होती है, HTML का एट्रीब्यूट होता है ये, ठीक है। और इंटरनल कौन सी होती है, यहाँ लिखी जाती है, और एक्सटर्नल क्या होती है, जो कॉल करा के करते हैं। तो मैं भी फिलहाल इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप ABC, कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, पर एक्सटर्नल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया इसके अंदर फिल्टर ग्रे स्केल 100%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी,
अच्छा इमेज वन है, सॉरी IMG1। तो क्या हो जाएगा इससे, इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं? अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे होवर जाने पे कलर, होवर मैंने कराया आपको, मेन्यू का बनाना सिखाया था है ना, तो होवर करवाया था इसमें, होवर जाने पे कुछ आना चाहिए। तो देखो IMG1:होवर ऐसे लिख दोगे तो अब क्या होगा, यानी इसका मतलब जब कोई कर्सर लेके जाएगा इसके ऊपर, तो कर्सर ले जाने पे क्या होगा, फिल्टर ग्रे स्केल 0। तो इसका मतलब क्या होगा, डिफॉल्ट क्या होगी, 100% ग्रे स्केल आएगा, और डिफॉल्ट होवर जाने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो होवर जाने पे 0 हो गया। ठीक है, क्लिक करने पे इमेज बड़ी हो रही है, ऐसे क्लिक करने पे इमेज बंद हो रही है। आगे समझ में, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। दूसरे पे भी फिल्टर लगा देते हैं, ये सेम कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें IMG2 कर रहा हूँ, और यहाँ फिल्टर ग्रे स्केल की जगह क्या आ जाएगा, ब्लर लगा देते हैं, ब्लर। और कितने पिक्सल ब्लर करना है मुझे, 2 पिक्सल ब्लर करना है। तो देखो इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ होवर जाने पे विजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को दोबारा पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉलन होवर, और ब्लर कितना कर दूंगा यहाँ पे, 0 कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, होवर जाने पे विजिबल हो जाएगी, ये कलर हो रही है, विजिबल हो रही है। ठीक है, वो क्लिक करने पे देखो वही सेम चीज़ काम कर रही है। तो इस तरीके से हम लाइट बॉक्स बना सकते हैं। तो आपने बता क्या करना है, जो भी आपने ग्राफिक्स का जितना भी काम करा है ना, वो सारा ना सबकी फोटो सेट करके आपको यहाँ पे लेके आनी है, और आपको इस तरीके की गैलरी बनानी है, तो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन बनाना है। तो एक वेबसाइट बनाते हैं ना पोर्टफोलियो वाली। मैंने बनाई थी ना, तुम लोगों ने नहीं करी वो साइट, क्यों नहीं करी? कल सैटरडे ना, कल यहीं बैठ के आके बनाना पोर्टफोलियो। ये रहा। तो देखो सबसे पहले हमारी एक स्क्रीन, तो सबसे पहले ये वाली आ गई, ये आ गई। फिर इसके बाद नीचे ये हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है, रिज्यूम, ये रहा पोर्टफोलियो। तो देखो आप इस तरीके से पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। ठीक है, तो इमेज को बड़ी करके ऐसे दिखा सकते हो, इसने कंटेंट दिखा रखा है, आप इमेज को बड़ी करके दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से आ गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम उसी पे ही चला सकते हैं, इमेज के ऊपर ही चला सकते हैं। लाइक मुझे, मैं चाहता हूँ जब कोई बटन पे क्लिक करे, ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक लगाया पॉप अप, मैं चाह रहा हूँ इस पे कोई क्लिक करे तब भी इमेज आ जाए। तो हमने AHREF=1.JPG, और यहाँ पे हमने ए को क्या करा, बंद कर दिया, और यहाँ लिखा हमने data-lightbox-abc। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, देखो क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, देखो तब पे भी इस पे भी आ रही है। ठीक है, आगे ना समझ में। क्लियर है ना, ये सारी चीज समझ में आ गई आपको? तो आज ये बनाना है आपने, एक गैलरी का सेक्शन बनाना है। तो एक गैलरी का सेक्शन बना लो, होवर लगा देना इस तरीके से, और आपने तो पूरी वेबसाइट बना दी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट कल, अब क्या है, कल सैटरडे है ना, तो अपना सैटरडे बैठ के पूरी एक वेबसाइट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जैसे दिव्या तुमको भी दिक्कत है ना, तो कल यहीं पे आके बैठ के कर लेना। ठीक है, ये पूरी साइट डिजाइन करनी है, और ये जो मैंने अभी इफेक्ट बताया वो अपना पूरा कर लेना इस पे, इसी पे यूज कर लेना। तो तुमने जो बना रखी है उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगा दो। ठीक है, कि जैसे कोई क्लिक करे तो क्लिक करने पे यानी हमारी इमेज इस तरीके से आ जाए। ठीक है, बढ़िया क्या आ जाए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप। तो मैं यही कह रही थी, आपसे जो मुझे प्रॉब्लम है आप मुझे लिंक शेयर करके सिखा रहे तो ज्यादा बेस्ट रहता है मेरे लिए सर। लिंक शेयर करके मतलब वो जो स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर करके, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और चीज़ों आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर दिक्कत होगी तो यहीं पे आ जाना। ठीक है, कल सैटरडे, कल ऑफ होगा, मतलब ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, तो आप यहीं पे बैठ के कर लेना।
ओके। अच्छा तो ये चीज क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आ गया ना ये वाला इफेक्ट। तो मैंने आपको क्या क्या बताया इसके अंदर, आपको जाना है गिटहब की लाइब्रेरी से, गिटहब को इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक जिप फाइल आ जाएगी। वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करनी है आपने, ये CSS, इमेज और JS तीनों को कॉपी करना है और अपने वाले फोल्डर में कॉल करा लेना है। फोल्डर में रखने के बाद आपको जाना है यहाँ पर लिंक HR या CSS, ये ऐसे लिंक करा लेना। ये किसको कराना है, ये CSS क्यों लिखा मैंने आगे, ये CSS क्यों लिखा, क्योंकि वो फोल्डर में थी, CSS के फोल्डर में थी। ठीक है, ऐसे JS कैसे कॉल कराते हैं, JS को आखिरी में रखते हैं, कहाँ पे, बॉडी से पहले। ठीक है, स्क्रिप्ट SRC JS का फोल्डर स्लैश lightbox.js। अब ऐसे लिखोगे ना, देखो स्क्रिप्ट SRC यहाँ लिखना, JS स्लैश लगाना, अपना जितनी भी फाइलें होगी सारी आ जाएगी। तो मुझे कौन सी चाहिए थी, जेक्वेरी चाहिए थी, तो ये वाली कॉल करा दी मैंने, js/lightbox.js। समझ में आ गया, चलो। नहीं, इसको हेड सेक्शन में रखते हैं, क्योंकि क्या होती है ना, जावास्क्रिप्ट थोड़ी हैवी होती है तो वो वेबसाइट को स्लो कर देती है, इसलिए आपको ना जो जावास्क्रिप्ट है नीचे रखनी होती है, ताकि पूरी वेबसाइट लोड हो जाए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो। ठीक है। अच्छा एक काम और करना है आपने, मैं एक ना एक वो खोल के दे रहा हूँ, ठीक है, क्विज आपको ना उनके सबके आंसर बताने पहले। CSS के करते हो, और जो जो चीज़ें इसमें मैंने नहीं करवा रखी ना, वो एक बारी ना मुझे बताना। ठीक है, लो। इसमें क्या आएगा, ये कह रहा है कि ना पी जो टैग है ना, वो हमारा रेड कलर का करना है, तो क्या चीज़ कैसे लिखे, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, हाँ क्या क्या आएगा, कलर आएगा ना, कलर। ठीक है, सबमिट करते हैं। वो गलत क्यों दिखा रहा है, सही तो लिखा है हमने। अच्छा कलर कॉलन नहीं लगाया, कलर कॉलन रेड। ठीक है, सही हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। अब ये कह रहे हैं सेट द कलर ऑफ द एलिमेंट विथ ID para1 to red। para1 को रेड करना है, मतलब इसको रेड करना है, तो क्या लिखे यहाँ पे, देखो जब भी ID होती है तो हैशटैग का यूज होता है, और जब क्लास होती है तो फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैशटैग, और नाम क्या है उसका, para1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, कलर कॉलन रेड। अरे वाह, सही हो गया। तो ठीक है, थर्ड वाला तुम बताओगे मुझे जरा, बताओ इसको। बताओ। ये तुम्हें नहीं पता क्या, फुल स्टॉप, क्या नाम है, जब भी क्लास यूज करते हैं तो क्या होता है, फुल स्टॉप यूज करते हैं। नाम क्या है इसका, कलर टेस्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कलर टेस्ट, और क्या चीज चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, तो कलर कॉलन रेड। ठीक है, हेलो, मेरा ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पे, अपोजिट मेट्रो पिलर 31। हाँ 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 ठीक है। तो हाँ, तो दे दो मेरा इसका एड्रेस, क्या है, मैं भगवान साई टावर। हाँ गूगल पे है, सर्च कर लो।
क्या? नहीं, ये सिंटेक्स के नाम से नहीं है ना, हेक्सा कोड के नाम से।